गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे। मैं हूं नीरज, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो यार अभी मैं हूं होटल के बैक साइड में, तो पीछे का व्यू आप देख सकते हो, बड़ा मस्त लग रहा है। सो गाइस, तो चितवन में आज हमारा दूसरा दिन है, मतलब दो रात हम लोग यहाँ पर रहे हैं। तो कल जो भी एक्टिविटीज़ की वो आप लोगों को पता ही है, बहुत ही मज़ा आया। तो यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, और मुझे पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, तो मैं दोबारा ज़रूर आना चाहूँगा यहाँ पर। तो मेन जो हमारा प्रोग्राम है अभी जाने का, वो है पोखरा। उससे पहले हम लोग अभी रास्ते में जो भी टूरिस्ट प्लेस आएंगे, जो अच्छे अच्छे जगह हैं, जैसे कि मैंने सुना है कि एक मुगलिक करके एक झरना है यहाँ पर, तो वहाँ पर हम लोग जाएंगे। और दूसरा जो है मनोकामना, एक मंदिर है बहुत फेमस, तो वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे। तो यार आज अभी हम लोग बस पैकिंग वैकिंग हो चुकी है, गाड़ी में सारा सामान हमने डाल दिया है टिक्की में, तो अब हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ से अभी। तो गाइज मिलते हैं सीधे आपसे, देखते हैं रास्ते में कुछ और अच्छे स्पॉट्स मिलते हैं दिखाने के लायक, तो वो दिखाऊंगा, नहीं तो सीधे हम लोग झरने में या फिर मंदिर में, जहाँ भी हम लोग जो पहले आए, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है कि अभी यहाँ पर पहले कौन सा जगह आने वाला है, तो वहाँ पर मैं आप लोग को मिलूँगा। तो यार दो जगह पे हम लोग अभी जाएंगे। नंबर एक है झरना यहाँ पर मुगलिक करके, जो काफ़ी सुंदर बता रहे हैं यहाँ पर, और दूसरा जो है मनोकामना मंदिर है यहाँ पर। तो यहाँ से पोखरा की दूरी अभी करीब करीब 130-135 किलोमीटर के आसपास है, तो बीच में दो जगह आती हैं जो मैंने आपको अभी बता दिया। तो वहाँ पर हम लोग जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को, और एक व्लॉग वहाँ पर भी बन जाएगा मेरा। तो यार अभी निकलते हैं हम सीधे टूर की ओर। तो बस ऊपर वाले का नाम लेके निकल रहे हैं हम लोग अभी, गणपति बप्पा मौर्य। सबसे पहले हम लोग जाएंगे अब मुगलिक, यहाँ से हम लोग आए थे ना, यहाँ से हम लोग आए थे, अब हम जाएंगे इधर। मार्केट तो मस्त है यार यहाँ की, ये पुराना बाजार। Thank you.
गाइस ये देख सकते हो आप पुल, और ये जो नीचे जो नदी बह रही है नारायणी नदी है और लेफ्ट साइड में। तो हमें यहाँ से अब राइट साइड को जाना है, झरना है जो यहाँ से हम लोग आए थे, और यह है गेट झरने का। चलिए यह है टिकट काउंटर यहाँ का, जिसे दर्ता केंद्र बोला जाता है। तो झरने में जाने के लिए 50 रुपए पे करने पड़ते हैं आप लोगों को, हमने भी किए हैं। आजा पप्पी। अरे यहाँ से गाड़ी में जाए या नहीं जाए हो रही थी, लेकिन चलते हैं। तो गाइस पीछे आप देख सकते हो झरना, और सुबह मैंने थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर दिया था, मुगलिक करके मैंने बोला था, लेकिन ये एग्जैक्टली जो नाम है मुगलिंग करके इसका नाम है। तो अभी हम लोग जाएंगे ऊपर, और फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगा ये झरना कितना खूबसूरत है। चलते हैं ऊपर। गाइस ये देख सकते हो आप कितना मस्त लग रहा है झरना। ये जो झरना है चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, ये देख सकते हो आप, वो देख सकते हो आप कितना हाइट में है, एकदम मोबाइल बिल्कुल मैंने खड़ा किया हुआ है। तो ये रहा अब हमारा झरना, और ये देख सकते हो आप, ये सारे वॉशरूम यहाँ पर दिए गए हैं ताकि सबको सुविधा होए। तो यहाँ से जो है गेट वॉल भी लगाया है इन्होंने, ताकि पानी छोड़ा जा सके, यहाँ से ये निकल रहा है। तो यार अभी चलते हैं हम आगे की ओर, और दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देख सकते हो आप इस तरह से ये झरना, काफी फिसलन भी है यहाँ, और
ऊपर से जो पानी नीचे गिर रहा है हल्की हल्की बूंदें ही पड़ रही हैं मेरे ऊपर, और मोबाइल में देख सकते हो आप। तो यार झरने के थोड़ा और पास चलते हैं, लेकिन फिसलन बहुत है यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो, और बहुत ही भयंकर आवाज आ रही है यहाँ पर। तो ऐसा लग रहा है कि पूरा धुआं ही धुआं है। पानी की बूंदों के साथ ही बहुत ही तेज हवा भी चल रही है यहाँ पर, और ठंड होने लगी है अब तो यहाँ पर। तो ये कुछ टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पर, फोटो सेशन चल रहा है इन लोगों का। डमरू आजा, ये है हमारा डॉगी प्यारा सा, आजा आजा। गुड आजा। तो मुगलिंग झरना जो है वो एक टूरिस्ट स्पॉट है, तो ये बैठने के लिए जगह भी है, यहाँ पर बैठ सकते हो आप, आराम कर सकते हो। और झरने के जस्ट नीचे से दो तरफ से पानी बह रहा है, बीच में ही पहाड़ है। तो एक तो है आपका ये देख सकते हो आप, और दूसरा यहाँ से है ये वाला। तो बीच में जो है ये पत्थर का पहाड़ आ जाता है, इसलिए दो तरफ से पानी निकलता है इसमें। और ये झरना तो कमाल का ही है। सो गाइस, अभी आपने हम लोग ने सब ने देखा मुगलिंग झरना नेपाल का, तो काफ़ी सुंदर है। और वहाँ पर जो है ठंड होने लगी थी, इसलिए अभी हम लोग निकल रहे हैं। वो इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि अभी मंदिर भी जाना है यहाँ से। तो गाइज अभी निकलते हैं हम सीधे यहाँ से, और मिलते हैं आपको डायरेक्ट मंदिर में।